फ्रेंडशिप विद मैथ्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन 15 से करने जा रहे हैं। इसमें लोग क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई दिया गया है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड बी बाई सी इक्वल टू, इतना हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई है, तो इसी का स्क्वायर यहाँ पे ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो इसी का जो है स्क्वायरिंग के फॉर्म में हम लोग को प्रूफ भी करना। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट्स का हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पहले गिवन ए प्लस आई बी इक्वल टू है हम लोगों को सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे टेकिंग कंजुगेट्स कंजुगेट्स लेंगे तो सिर्फ क्या होगा, ये माइनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो ये हम लोग हो जाएगा ए माइनस आई बी इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस आई अपॉन सी प्लस आई हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन एंड 1 एंड इक्वेशन 2 को, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई इंटू सी माइनस आई अपॉन सी प्लस आई हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, यहाँ वही चीज है सी का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को हो जाएगा ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे माइनस है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन पीछे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन, ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन पीछे माइनस है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा फाइनली हम लोगों को 1 हो जाएगा। देयरफॉर हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों को प्रूफ होगा। अब देखिए अगला जो पार्ट हम लोगों को दिया गया है बी अपॉन सी इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है लाने के लिए हम लोगों को, तो यहाँ पर देखिए अगेन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अगेन ए प्लस आई बी इक्वल टू है हम लोगों को कितना सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई, अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा सी प्लस आई अपॉन सी प्लस आई हो जाएगा, तो फाइनली हो गया ये सी प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोगों को हो जाएगा ए प्लस आई बी इक्वल टू, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू सी इंटू आई हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा हम लोगों को सी स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन तो हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो फाइनली हम लोगों को हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस टू सी आई और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इक्वल टू ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन और प्लस टू सी इंटू आई अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे तो ए इक्वल टू रियल पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रियल पार्ट तो हम लोग को ये है लिखेंगे बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये हो जाएगा हम लोगों को देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन
सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का रियल पार्ट तो यही है और इमेजिनरी पार्ट हम लोगों को क्या है यहाँ पे बी है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को लाना कितना है, देखेंगे नाउ लाना है हम लोगों को बी अपॉन सी इक्वल टू टू सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन लाना है, तो हम लोग एल एच एस से आ जाएंगे यहाँ पे। एल एच एस हम लोग को देखिए बी अपॉन सी है, तो बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से इतना रख सकते हैं टू सी अपॉन है सी स्क्वायर प्लस वन है, और बाई लिखिएगा यहाँ पे बाई है सी, इतना टर्म यदि मान लीजिए सॉरी यहाँ पे बी अपॉन सी नहीं, यहाँ पे सॉरी बी अपॉन ए है, क्वेश्चन गलत कॉपी हो गया, यहाँ पे बी अपॉन सी नहीं, यहाँ पे बी अपॉन ए है, सो सही कर लीजिएगा आपको, यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू देखिए बाई में लिखिएगा, तो बाई में लिखेंगे तो ए का वैल्यू इतना है, इसके अपॉन में इसको रखेंगे ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन इंटू ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन ऊपर आएगा और नीचे हो जाएगा हम लोग को सी स्क्वायर माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हम लोगों को हो गया टू सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन। ये हम लोगों को प्रूव करना था, ये हम लोगों को इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि 1 माइनस आई होल टू द पावर एन इंटू 1 माइनस आई होल टू द पावर एन इक्वल टू 2 टू द पावर एन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एल एच एस से आएंगे, एल एच एस हम लोगों को 1 माइनस आई होल टू द पावर एन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आई होल टू द पावर एन। अब देखिए इसको हम लोग इतना ही लिखे इंटू, अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर आई है तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले रेशनलाइज कर देंगे आई इंटू आई अपॉन ये आई हो जाएगा, माइनस को हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस आई होल टू द पावर एन इंटू देखिए हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू 1 तो हो जाएगा आई स्क्वायर, आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है इसे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई होल टू द पावर एन इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन होता है। अब इसे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा हम लोगों को देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस आई होल टू द पावर एन, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो इंटू में है, ये हो जाएगा 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, इसको हम देखिए दोनों पर पावर एन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर होल टू द पावर एन। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा होल टू द पावर एन, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 टू टू द पावर एन। तो यही हम लोगों को इसको प्रूव भी करना था कि यही टू टू द पावर एन आएगा। अब देखिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर इंटीजर्स एन फॉर विच 1 प्लस आई होल टू द पावर एन इक्वल टू 1 माइनस आई होल टू द पावर 2n। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन लिखेंगे 1 प्लस आई होल टू द पावर 2n इक्वल टू है हम लोगों को 1 माइनस आई होल टू द पावर 2n। इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट n का पॉजिटिव वैल्यू निकालना है कि क्या होगा इसके लिए सर। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस आई होल टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर 2n इक्वल टू 1, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही हम लोगों को मिल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर 2n इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों पावर कितना है 2n है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई लिख सकते हैं,
और होल टू द पावर कितना है हम लोगों को, 2n इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम ले सकते हैं कि a प्लस बी का ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आई स्क्वायर अपॉन 1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, पीछे माइनस है, 2n इक्वल टू हम लोगों को 1 है। अब इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग को मिलेगा क्या, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i माइनस 1 अपॉन 2 होल टू दी पावर हो जाएगा n इक्वल टू 1, सॉरी 2n है यहाँ पे, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 2i अपॉन 2 होल टू दी पावर 2n इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली हो गया i का पावर कितना हो जाएगा 2n इक्वल टू 1। अब देख लिए, देखिए हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि n का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, n का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए n की जगह मान लीजिए सपोज हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, i का पावर 2 हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। अब n की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा आई टू दी पावर कितना 2 इंटू 2 इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा आई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। तो यही हम लोगों को क्या हो गया कि n का जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है 2 है, लिखेंगे देयर फोर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर n इक्वल टू, ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि x प्लस 1 प्लस आई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई इंटू एक्स माइनस 1 प्लस आई इंटू एक्स माइनस 1 माइनस आई इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक वे में इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में, हम लोग आएंगे एल एच एस से आएंगे, इसको हम लोग एल एच एस से कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 1 प्लस आई लिख दिए, इनटू इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 माइनस आई लिख दिए, इनटू इसको लिख दिए एक्स माइनस 1 प्लस आई लिख दिए, इनटू इसको लिख दिए एक्स माइनस 1 माइनस आई लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए यदि इसको लेट करते हैं, इसको यदि बी लेट करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू, इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर, सेम वे में भी वही चीज़ होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ए प्लस बी कॉल उसका एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
और ये हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, पीछे माइनस है प्लस वन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में अगेन आ गया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर एक्स फोर हो जाएगा प्लस टू ए बी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का आंसर हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर, यही प्रूफ हो जाएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया है कि इफ ए इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देन प्रूव दैट 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 इंटू आई। देखिए हम लोग यहाँ पे आएंगे एलएचएस से आएंगे, तो यहाँ पे है 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस ए हम लोग को क्या दिया गया है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया गया है अपॉन वन माइनस ए दिया गया है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया गया है। इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन ये वन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई साइन थीटा। अब देखिए हम लोग त्रिकोण फॉर्मूला पढ़े हैं कि वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, एंड वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए और इसको एक साथ ब्रैकेट में। वन प्लस कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस आई, और देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, जिसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा आई इंटू टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन, अब यहाँ पे देखिए वन माइनस कॉस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस आई इंटू साइन थीटा की जगह अगेन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखिए टू कॉस थीटा बाई टू यहाँ भी है टू कॉस थीटा बाई टू यहाँ भी है टू साइन थीटा बाई टू यहाँ भी है टू साइन थीटा बाई टू यहाँ, तो ऊपर से हम लोग टू कॉस थीटा बाई टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा बाई टू माइनस आई साइन थीटा बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई टू माइनस आई आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा माइनस आई कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा। देखिए ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आगे हम लोग इसको लिखेंगे तो देखिए कॉस अपॉन साइन होता है हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू माइनस आई साइन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू माइनस आई कॉस थीटा बाई टू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। देखिए इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, देखिए हम लोग को इतना आया है कॉस थीटा बाई टू माइनस आई साइन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू माइनस आई कॉस थीटा बाई टू और इंटू में क्या है कॉट थीटा बाई टू। अब देखिए इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो हम लोग को हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बाई टू यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा आई कॉस थीटा बाई टू अपॉन में हो जाएगा हम लोगों को साइन थीटा बाई टू
प्लस आई कॉस थीटा बाई टू। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है इससे। देखिए साइन थीटा बाई टू प्लस आई कॉस थीटा बाई टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा आई साइन थीटा बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करना साइन थीटा बाई टू प्लस आई कॉस थीटा बाई टू, यही है अपॉन में हो जाएगा। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा हम लोगों को साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आई कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फाइनल में जो सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू, देखिए कॉस इंटू साइन हो जाएगा, और देखिए आई है यहाँ पे प्लस आई, और देखिए कॉस थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है, देखिए आई साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा आई साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। देखिए इसमें एक्चुअली जो है साइन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, देखिए यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस दिला गया, यहाँ प्लस होगा ये प्लस होगा, तो करेक्ट कर लीजिएगा ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस कैलकुलेशन आप लोग खुद भी थोड़ा ध्यान से दीजिए देख लीजिएगा क्या है, ये हो जाएगा हम लोगों को आई है और ये हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और हम लोगों को हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू हो जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। अब देखिए यहाँ से हम लोग आई कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर माइनस वन कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आई स्क्वायर माइनस वन प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। देखिए ये से हम लोग कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू पॉजिटिव, और सेम चीज नेगेटिव में भी है, ये देखिए ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू इंटू आई इंटू इसका वैल्यू कितना होता है वन होता है, और इसका वैल्यू होता है वन, तो ये हो जाएगा आई इंटू वन अपॉन ये वन, तो फाइनली हो जाए हम लोग हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू इंटू आई, ये हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से आज हम लोग जो है सो मतलब क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक देखे हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ जो है सो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।